हेलो एवरीवन, आज जो हमने कल किया था सस्पेंस अकाउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कल हमने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वन साइडेड एरर कौन सी होती है और टू साइडेड एरर कौन सी होती है। आज हम उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से जो एरर हो गई है, जो गलती हो गई है, उसको किस तरह से ठीक करें। कल एक पॉइंट रह गया था, एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर बाय मिस्टेक गलती होती है तो उसे एरर कहते हैं, लेकिन अगर जानबूझकर गलती की गई है तो वो एरर नहीं है, वो क्या है, फ्रॉड है। तो ये एरर और फ्रॉड में डिफरेंस है। हम यहाँ पर एरर को रेक्टिफाई करेंगे और एरर भी कौन सी, जो वन साइडेड एरर होती है उनको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो जो हमने प्लस वन की क्वेश्चन, प्लस वन की बुक है, उसमें से लेसन नंबर 14 में से 6 जो इलुस्ट्रेशन है उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इनकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखो इसमें क्या कहा गया है कि फर्नीचर परचेज किया है 2000 रुपए में, ठीक है, उसकी एंट्री किसमें कर दी गई, परचेज अकाउंट में कर दी गई। तो देखो एंट्री सही क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इस तरह से अगर आप करके देखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और स्टार्टिंग के अगर 2-3 क्वेश्चन इस तरह से करके देख लिए तो बाद में आप डायरेक्ट जर्नल में एंट्री करनी स्टार्ट हो जाओगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कभी भी अगर किसी एसेट्स को परचेज या सेल किया जाता है तो उसके लिए परचेज नहीं आता, इसलिए उस एसेट्स का नाम आता है, तो टू कैश अकाउंट। देखो एंट्री होनी चाहिए थी ये, बट उन्होंने क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री कर दी। होनी चाहिए थी ये, बट कर दी ये। तो देखो कैश तो बिल्कुल सही हो चुका है, अपनी जगह पर क्रेडिट हो चुका है, बट फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, उसकी जगह पर डेबिट क्या हो गया, परचेज अकाउंट उसकी जगह पर डेबिट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये डेबिट होना चाहिए था तो इसको डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और ये डेबिट हो गया तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको काटने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, टू परचेज क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, जितने अमाउंट से, कितने अमाउंट से, 2000। ये LF, इसका मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो। यहाँ पर उस लेजर का हम पेज नंबर लिखते हैं कि हमने मान लो ये 10 पेज पर लिखा है, ताकि अगर हम ट्रांजैक्शन को देखते ही ये पता लगा सके कि इसकी जो एंट्री है, इस एंट्री की पोस्टिंग कौन से पेज पर हो गई है। उसके बाद जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो क्या है, 3000 पेड टू मोहनलाल फ्रॉम सैलरी वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अगर किसी की भी हम सैलरी पेड करते हैं तो वो डायरेक्ट सैलरी से ही डेबिट होती है, क्योंकि वो क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस में हमेशा उस एक्सपेंसेस का नाम लिखा जाता है, ना कि पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर सैलरी पेड की है तो करनी क्या एंट्री चाहिए थी, करनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट कर क्या दी, क्या नाम है इसका, इसका नाम है मोहनलाल, तो मोहनलाल अकाउंट पर्सनल के साथ कभी भी अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं होती, टू कैश। तो देखो कैश अपनी जगह पे ठीक है, बट सैलरी अकाउंट करना चाहिए था और कर दिया मोहनलाल। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, सैलरी करनी चाहिए थी डेबिट, तो सैलरी को डेबिट कर देंगे, और डेबिट गलती से क्या हो गया था, मोहनलाल, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप एंट्री करोगे तो आपकी कभी भी रॉन्ग एंट्री नहीं होगी। ये इससे ऐसे आप कट के भी कर सकते हो, बाकी जो बच गया ये ठीक था तो इसको डेबिट, और ये गलत है, डेबिट गलत है, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जो थर्ड है, 500 पे फॉर प्रोप्राइटर मेडिकल बिल वर डेबिटेड टू सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो प्रोप्राइटर के लिए अगर कोई भी एक्सपेंसेस करती है तो वहां पर किस वर्ड का यूज होता है, ड्रॉइंग, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, होनी चाहिए थी ये, बट कर क्या दी, कर दी सन्ड्री एक्सपेंसेस
अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश से कैश कैंसिल, इट मीन कैश बिल्कुल ठीक किया गया है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था तो उसको डेबिट कर देंगे। ड्रॉइंग का हमने बता दिया था मतलब क्या होता है, जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है बिजनेस में से तो वहां पर हम ड्रॉइंग वर्ड का यूज करते हैं। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया था, सैलरी एक्सपेंसेस गलती से डेबिट कर दिया था, उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना लेना है 500। उसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन, इसमें क्या है, टाइपराइटर परचेज फॉर 7500 हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज। टाइपराइटर परचेज किया है तो टाइपराइटर अगर परचेज करे तो ये भी एक तरह की एसेट्स है, और एसेट्स इस तरह की जो छोटी मोटी जो एसेट्स होती है उनको ऑफिस इक्विपमेंट भी लेती है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट कर क्या दी इन्होंने, ऑफिस रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, यहां पर परचेज लिख दिया। और परचेज वर्ड्स कब आता है, जब गुड्स का लेन देन होता है, यहाँ पर गुड्स नहीं एसेट्स का हो रहा है, तो कैसे कैश कैंसिल हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होनी चाहिए थी तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और गलती से डेबिट क्या होगी, परचेज अकाउंट, तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 7500। उसके बाद जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, एन ऑफिस टेबल परचेज फॉर 5000 हैज बीन पास्ड थ्रू इनवॉइस बुक। इनवॉइस का बुक का मतलब भी होता है परचेज बुक। आपको इसीलिए हमने जो पहले अकाउंटिंग टर्म्स इसीलिए पहले करवाई थी कि कहीं पर भी अगर कोई अकाउंटिंग टर्म्स आती है तो आप उसका मतलब समझ जाओ, तभी आप उसकी एंट्री सही कर पाओगे। अगर यहाँ पर आपको इनवॉइस का मतलब पता है तभी तो आप सही एंट्री कर पाओगे। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑफिस टेबल परचेज की है, ऑफिस टेबल तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफिस टेबल हमारे किस में आ जाएगी, फर्नीचर में आ जाएगी। वैसे अगर यहाँ पर आप टाइपराइटर या फिर इसका नाम भी लिख देते हो एसेट्स का तो भी गलत नहीं होता है। तो ये टेबल वगैरह हमारी टेबल चेयर ये सारी किस में आती है, फर्नीचर में आती है, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बट रॉन्गली इसकी क्या एंट्री हो गई, परचेज बुक में एंट्री कर दी। क्या एंट्री कर दी, परचेज, इसको भी क्या मान लिया गया, गुड्स मान लिया गया, टू कैश अकाउंट। तो देखो करने थी क्या, फर्नीचर, तो फर्नीचर को कर देंगे डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और गलती से कर क्या दी, परचेज अकाउंट, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 5000 से। उसके बाद है सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, इसमें क्या कहा गया है, एन अमाउंट ऑफ 1200 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। देखो अगर कोई भी एसेट्स है, ठीक है, अगर उस पर परचेज के टाइम पर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मशीनरी के टोटल अमाउंट में ही क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। बट उसके बाद अगर उसको कुछ भी पैसा रिपेयर वगैरह का लगाते हैं तो वो रिपेयर में जाता है, वो एक तरह से हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, वो मशीनरी में कभी भी नहीं जाता। इसी तरह ये बिल्डिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, रिपेयर में जाएगा। तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। और कर क्या दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश भी बिल्कुल ठीक कर दिया। होना क्या चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, और गलती से कर क्या दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से, 1200।
एक इसी तरह इसलिए करके दिखा रहे ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये किस लिए हो रहे हैं। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बट उससे आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह आप एक दो एग्जाम्पल करके देख लेना, बाद में फिर आप सीधी ऐसे ही एंड नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में एकदम से आप जाओगे तो ऐसे तो करके एंड देख नहीं सकते, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी ही समझ जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसीलिए कहा जाता है। कोई भी कहावत गलत नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, तो इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे और बिल्कुल परफेक्टली ऐसे ही क्या करने लग जाओगे, एंट्री करने लग जाओगे। अब हमारे जो लास्ट वाली बस्ती थी वो क्या है, 800 पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। 800 पेड किए किसके, रेंट के, तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बट एंट्री क्या कर दी, रेंट की जगह लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश ये कर दी। तो अब हम डेबिट क्या होना चाहिए था, रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और गलती से डेबिट हो क्या गया था लैंडलॉर्ड, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 800 से। तो ये थी हमारी इलुस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। और कोई भी कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ये हमारे स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन थी कि मैं एक न्यूमेरिकल करवा दूं ताकि हमें क्लियर हो जाए, तो हमने जो ये न्यूमेरिकल है ये 6 लिया है। अगर आपकी कोई भी किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर आपकी कोई गलती हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।